हेलो एवरीवन, कविता का होम स्टाइलिंग में आप सबका स्वागत है। तो ये मैं फ्राइडे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्राइडे को मैं मंदिर में जाकर खीर बना के वहाँ प्रसाद के रूप में देकर आती हूँ। तो ये वही वाली खीर है जिसमें मैंने थोड़ा सा एक सीक्रेट चीज़ का इस्तेमाल किया है ताकि खीर को हमारा रबड़ी का रूप मिल सके और खाने में भी इसका टेस्ट बढ़ सके। तो चलिए मेरी रेसिपी में मेरे साथ शामिल हो जाइए। मैंने एक छोटी कटोरी से चावल को एक घंटा पहले भिगो के रख दिया था। ये बासमती राइस थे जो कि थोड़े लंबे होते हैं, इसलिए इसको हमने पानी को रिंस करने के बाद इसको हम मसल के थोड़ा टुकड़े में कर लेंगे। उसके बाद एक लीटर दूध लिया, उस दूध को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया। और जब दूध में बॉईल आ जाए तो हम उस पर चावल ऐड करेंगे और दोनों चीज़ों को हम सिम करके गैस को पकाएंगे। शुरू में हमने चीनी नहीं डालनी है क्योंकि खीर बनाने के दौरान अगर हम शुरू में चीनी डाल देते हैं तो खीर हमारी चावल हमारा खड़ा खड़ा रह जाता है और बहुत अच्छे से घुटता नहीं है। तो खीर तो वैसे भी घुटी हुई अच्छी लगती है। बस चार पीसेस ब्रेड के हैं मेरे पास, उस ब्रेड के पीसेस को भी हम बहुत अच्छे से उसके क्रम्स कर लेंगे हम टुकड़ों में तोड़ के। जब दोनों चीज़ों में बहुत अच्छे से उबाल आ जाएगा तो इसको थिकनेस देने के लिए हम इसमें इस ब्रेड को भी यूज़ करेंगे। और कढ़ाई को हमने कड़छी को हमने लगातार चलाना है। सब चीज़ों की मिक्सिंग हमने बहुत अच्छे से करनी है। जितनी ये सब चीज़ें मिक्स होंगी, चावल घुटा हुआ सा होगा, ब्रेड इसमें मिक्स हो जाएगी, उतनी अच्छी हमारी खीर तैयार होगी। देखिए इन दोनों चीज़ों को हम थोड़ा घोट घोट के कड़छी को दबा दबा के हम मिक्स कर लेंगे। तो बस पकते पकते ये कम से कम एक घंटे के लिए मैंने दूध पकाया तो एक घंटे में दूध रिड्यूस होते होते ये इतना रह गया। अभी थोड़ा सा मैं इसको और थिक करना चाहती हूँ और पकाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये प्रसाद के रूप में बांटनी है मंदिर में। तो थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से तो हो कि वो अगर एक छोटे छोटे दोने में दी जाए तो लिक्विड ना हो, इसलिए मैं इसे खूब बढ़िया सा दरदरा गाढ़ा गाढ़ा सा बनाकर रखूँगी। आवश्यकता अनुसार हमारी क्वांटिटी के हिसाब से हम उसमें चीनी ऐड कर लेंगे। और बस चीनी ऐड करी, चीनी के साथ फिर उसके बाद मैंने बादाम को और छोटी इलायची को दोनों को दरदरा सा कूट लिया है। इन दोनों चीज़ों को भी मैं इसमें मिक्सिंग कर दूंगी। अच्छे से मिक्स करके फिर हम घोटा सा लगा लेंगे बढ़िया सा। चीनी इसमें जा चुकी है, चीनी भी अब हमारी घुल जाएगी सब चीज़ों के पकने के साथ। तो हमारी खीर बनने में एक घंटा 30 मिनट का समय लगा है। और खीर बनाने में आप जितना उसको सिम करके पकाएंगे खीर और कढ़ी को, वो उतनी ही टेस्ट अच्छा देती है। खीर हमारी तैयार है। अब मैं इसको भोग मंदिर में देने के लिए इस बर्तन में लेके जा रही हूँ। और बनाइएगा आप इस तरह से खीर, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत बढ़िया रेसिपी है। मैं अक्सर बनाती हूँ, आपके घर में ब्रेड है वो भी यूज़ हो जाएगी, वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और आप इसे थिकनेस देने के लिए ब्रेड है तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो आप इसको थिकनेस देने के लिए मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गार्निशिंग कर रही हूँ मैं इसके थोड़ा सा पिस्ते के साथ, और पिस्ता वैसे भी मुंह में जब खीर के साथ आता है ना खाने में तो उसका मज़ा ही दोगुना हो जाता है। आप बताइएगा प्लीज़ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा मैं अपने कान्हा जी को भूख लगाने के लिए अलग से निकाल रही हूँ। बाय बाय।